हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके ही चैनल लर्निंग विद फन पे। तो हमने पहली एपिसोड डाली थी, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा ये सिलसिला है उसका मैंने पहला एपिसोड डाला। काफ़ी लोगों को वो मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो उसको ही ध्यान में रखते हुए मैंने अगेन सेकेंड एपिसोड बनाया है, सेकेंड वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिए। यहाँ पर भी हम फिर से एक वेब सीरीज़ की या फिर मूवीज़ का क्लिप लिया हुआ है मैंने, और उसके अंदर से हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तू है, बोल बेटे। अंकल वो कमरे में आपके टीवी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, तो पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कर लीजिए। ओके गाइस, सो यू हैव जस्ट वॉच दिस सीन, एंड इन दिस सीन यू जस्ट सॉ दैट ओल्ड मैन सेड समथिंग टू अभिलाष, अभिलाष दैट मीन दिस यंग बॉय, एंड ही सेज तू है बोल बेटे, करेक्ट, तू है बोल बेटे। सो इंग्लिश ऑफ दिस पर्टिकुलर हिंदी सेंटेंस इज वेरी इजी, इट्स समथिंग लाइक तू है, करेक्ट, तू है मीन्स यू हियर, करेक्ट। दिस यंग मैन कम्स इन फ्रंट ऑफ द डोर एंड दिस ओल्ड मैन ओपन्स द डोर, and at that very moment this old man says tu hai bol bete, so it's very simple to translate this in English, it's just like you here say son, correct, bol bete, say bol means say and bete means son, correct, tu hai bol bete, you here say son, and now this guy, this young man replies, abhilash replies that uncle woh kamre mein aapki tv ki awaaz aa rahi hai, correct, you just see the sentence of hindi and try to translate by yourself and I'll be dictating that to you after you translate, correct, and write down it in comment section if you have already done it, correct, okay, so let's translate this, अंकल वह कमरे में आपकी टीवी की आवाज आ रही है, सो इट्स वेरी सिंपल, अंकल साउंड ऑफ योर टीवी कैन बी हर्ड इन माय रूम, सो दिस इज द वन वे टू ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इन इंग्लिश, बट देर आर लॉट्स ऑफ वेज यू कैन ट्रांसलेट दिस, करेक्ट, सो द अनदर वे इज लाइक अंकल साउंड ऑफ योर टीवी, नॉइज ऑफ योर टीवी इज कमिंग इन माई रूम, दिस कुड ऑल्सो बी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस, बट इट्स नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, करेक्ट, लाइक साउंड ऑफ योर टीवी इज कमिंग इन माई रूम, सो is coming is a kind of like, you know, it's a action where you go, you come, so it's like a action, so it's not very like appropriate, but the previous one which I gave you, it's something like uncle sound of your TV can be heard in my room, it's very appropriate, so you gotta use this, and now bahut zyada, correct, and that too very loud, bahut zyada, that means very loud, and that too very loud, पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कर लीजिए, सो इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, इट्स समथिंग लाइक आई एम गेटिंग डिस्टर्ब इन माई स्टडीज, करेक्ट, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब इन माई स्टडीज, सो प्लीज स्विच इट ऑफ, ओके, इट्स वेरी सिंपल, नाउ जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्लिप, बंद कर दूं, हाँ, वो कैसा बदतमीज आदमी है यार तू, वो कार मेरा, टीवी मेरी, समाचार मैं अपने देख रहा हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, ओके, सो ये पंजाबी ओल्ड मैन सेज बंद कर दूं, वो कैसा बदतमीज आदमी है रे तो, सो द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी समथिंग लाइक बंद कर दूं, हियर ही इज आस्किंग क्वेश्चन, करेक्ट, ये जो ओल्ड मैन है ना वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैसे हम क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, डू आई टर्न इट ऑफ, करेक्ट, बंद कर दूं, डू आई टर्न इट ऑफ, हियर ही जस्ट लाइक इंटरोगेट टू दिस मैन, डू आई टर्न इट ऑफ, कैसा बदतमीज आदमी है रे तू, व्हाट द नॉनसेंस मैन यू आर, इट्स वेरी सिंपल, बदतमीज का मतलब होता है नॉनसेंस, आपने कई दफ़ा सुना होगा अपने स्कूल में या फिर कॉलेजेस में, व्हेन योर टीचर लाइक यू नो व्हेन योर टीचर क्लेम यू दैट यू आर अ नॉनसेंस, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर आए घर मेरा, टीवी मेरा, समाचार मैं अपना देख रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल, माई हाउस माई टेलीविजन आई एम वॉचिंग माई न्यूज, करेक्ट, समाचार दैट मीन्स न्यूज, यू एवरीबडी नोज दैट, इट्स वेरी सिंपल, लाइक माई हाउस माई टेलीविजन, मेरा घर मेरी टीवी, समाचार में अपना देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग माई न्यूज, वही तेरे को क्या प्रॉब्लम है, सो अगेन ही आस्क द क्वेश्चन, करेक्ट, दिस ओल्ड मैन आस्क द क्वेश्चन टू दिस यंग मैन, लाइक तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, सो द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी समथिंग लाइक व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम, व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है भाई, चलो अभी हम मूव करेंगे दूसरे वाले क्लिप पे, तो एक बात बता कि सारा करंट अफेयर का ठेका क्या तुम लोगों ने ले रखा है, तो जब यहां राजेंद्र नगर में मीटिंग होती है ना इंटेलेक्चुअलों की, तो मेरी भी एक राय है, मुझे भी कुछ बोलना होता है, टीवी नहीं देखूंगा तो क्या करूंगा, तू चाहता मैं कुछ ना बोलूं, ओके गाइस, तो यहां पे ये बुड्ढा फिर से एक बार अभिलाष को बहुत लंबी लेक्चर देता है, एंड इट्स समथिंग लाइक एक बात बता, यहाँ सारे करंट अफेयर्स का ठेका क्या तुम लोगों ने ही लेकर रखा है, सो हियर दिस एक बात बता, इट्स वेरी सिंपल, टेल मी वन थिंग, करेक्ट, एक बात बता, टेल मी वन थिंग, सारे करंट अफेयर्स का ठेका क्या तुम लोगों ने ही लेकर रखा है, तो गाइज यहाँ पे मे बी तुम्हें शायद ठेका में प्रॉब्लम हो रहा होगा, और
मैं जानता हूँ ठेका का जो इंग्लिश वर्ड है ना, वो आई बेट वो सबको ही पता होगा. अगर एक दोज हुआ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आई कैन श्योर आई कैन बेट यू दैट यू मस्ट बी नोइंग द वॉकेब ऑफ ठेका इन इंग्लिश. सो इट्स वेरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. करेक्ट यार, तुमने सुना ही हुआ ना दोस्त यार, इस बंदे ने इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. वो कॉन्ट्रैक्टर है, समवन हु टेक्स द ठेका, समवन हु टेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्टर. सो इट्स वेरी सिंपल. करेक्ट. एंड नाउ ट्राई टू ट्रांसलेट दिस. सारे करंट अफेयर्स का ठेका क्या तुम लोगों ने ही ले रखा है? सो ये इट्स वेरी ऑब्वियस दिस दिस ओल्ड मैन इज आस्किंग क्वेश्चन. वो बंदे को क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सारे ये करंट अफेयर्स का ठेका तुम लोगों ने ले रखा है? सो इट्स वेरी सिंपल. हैव यू पीपल ओनली टेकन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स. देखो यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं यू पीपल हैव ओनली टेकन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स, बिकॉज ही इज आस्किंग क्वेश्चन. क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम यहाँ पे हैव को आगे रखेंगे और इसे बोलेंगे हैव यू पीपल ओनली टेकन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स. करेक्ट. इट्स वेरी सिंपल. जब यहाँ राजेंद्र नगर में इंटेलेक्चुअल की मीटिंग होती है ना, तो मेरा भी यहाँ एक राय होता है. सो ट्राई टू ट्रांसलेट दिस. व्हेन देयर इज अ मीटिंग. करेक्ट. जब यहाँ राजेंद्र नगर में इंटेलेक्चुअल की मीटिंग होती है, व्हेन देयर इज अ मीटिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल इन राजेंद्र नगर, मेरा भी एक राय होता है. आई टू पुट फॉरवर्ड सम ओपिनियन. करेक्ट. इट्स वेरी सिंपल. राय मतलब ओपिनियन होता है. यू कुड ऑल्सो से सजेशन. आई टू पुट फॉरवर्ड सम सजेशन और ओपिनियन, दीज आर सिनोनिम्स. सो यू कैन आइदर यूज ओपिनियन और सजेशन, दे आर बोथ ओके. ओके. सो मुझे भी कुछ यहाँ बोलना होता है. आई ऑल्सो गॉट से समथिंग. करेक्ट. मुझे भी कुछ बोलना होता है. आई ऑल्सो गॉट से समथिंग. सो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है शायद इस वाले में. ओके. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप देख लीजिए. टीवी नहीं देखूंगा तो क्या करूंगा. करेक्ट. इट्स नाउ टीवी नहीं देखूंगा तो क्या करूंगा. सो ट्राई टू ट्रांसलेट. इट्स वेरी सिंपल. इट्स अ क्वेश्चन एंड इट्स समथिंग लाइक व्हाट विल आई डू इफ आई डोंट वॉच टीवी. करेक्ट. टीवी नहीं देखूंगा तो क्या करूंगा. What will I do if अगर मैं नहीं देखूंगा. If I don't watch TV क्या करूंगा. What will I do. Correct. It's very simple. And again तू चाहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँ. देखो यहाँ पे फिर से वो क्वेश्चन कर रहा है बुड्ढा. करेक्ट. वो हर बात में एक उसका एक्सप्रेशन क्वेश्चन वाला होता है. करेक्ट. तू चाहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँ. डू यू वॉन्ट मी टू बी क्वाइट. करेक्ट. यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि तू चाहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँ. तो मैंने यहाँ पे जो इसका ट्रांसलेट किया है ना हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, वो थोड़ा सा अलग ही है. डू यू वॉन्ट मी टू बी क्वाइट. एंड यू कैन ऑल्सो गो विद दिस सेंटेंस लाइक तू चाहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँ. डू यू वॉन्ट मी टू नॉट से समथिंग. करेक्ट. यहाँ पे ये भी सही है. आप दोनों में से कोई भी एक को यूज कर सकते हो. अरे अंकल लेकिन ऐसे तो फिर ये तो रोज की दिक्कत हो जाएगी. मैं तो पढ़ने आया हूँ यहाँ पे. इसीलिए तो तेरे कमरे का किराया कम है ना. है? अच्छा आपके तो इतने सारे कमरे हैं, आप किसी और रूम में शिफ्ट कर लीजिए ना ये टीवी. ओके. सो नाउ दिस यंग मैन अभिलाष रिप्लाई टू दिस ओल्ड मैन एंड इट्स समथिंग लाइक ऐसे तो फिर रोज की दिक्कत हो जाएगी, मैं तो पढ़ने आया हूँ यहाँ पर. ओके. सो ट्रांसलेट दिस. लेट्स ट्राई टू ट्रांसलेट दिस. ऐसे तो फिर रोज की दिक्कत हो जाएगी. लाइक दिस. ऐसे तो. करेक्ट. लाइक दिस इट विल बी द ट्रबल. ऐसे रोज की दिक्कत हो जाएगी. देखो यहाँ पे जाएगी है. सो इट विल गो इन लाइक फ्यूचर फॉर्म. करेक्ट. सो लाइक दिस इट विल बी. और यहाँ पे दिक्कत का जो है वो इंग्लिश होता है ट्रबल. इट विल बी द ट्रबल फॉर एवरी डे. यहाँ रोज की दिक्कत हो जाएगी और मैं तो यहाँ पढ़ने आया हूँ पर. ओके. सो गाइज नाउ फोकस ऑन दिस सेंटेंस. मैं तो पढ़ने आया हूँ यहाँ पर. करेक्ट. तो लाइक बिसाइड आई हैव कम हियर. यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ. आई हैव कम हियर टू स्टडी. बिसाइड आई हैव कम हियर टू स्टडी. इसीलिए अब यहाँ पे नाउ अगेन दिस ओल्ड मैन सेज इसीलिए तो तेरे कमरे का किराया कम है ना. देखो यहाँ पे किराया जो होता है ना उसे हम रेंट बोलते हैं. करेक्ट. तुमने अक्सर सुना होगा. मे बी यू हैव हर्ड. लाइक आई एम नॉट श्योर दैट यू हैव हर्ड और नॉट, बट लाइक आई हैव हर्ड दिस. किराया का मतलब होता है रेंट. करेक्ट. हम रोज अगर भाड़े पे हम रहते हैं तो हम रोज अपना रेंट पे करते हैं रूम मालिक को. ठीक है. इसीलिए तो तेरे कमरे का किराया कम है. दैट्स वाई द रेंट. करेक्ट. दैट्स वाई द रेंट ऑफ योर रूम इज लो. यहाँ पे कम है. दैट मीन्स लो. इज नॉट लेस. यहाँ पे हम लेस नहीं बोलेंगे बिकॉज वी टेक लेस व्हेन देयर इज अ क्वांटिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटी सो वी यूज लेस. सो हियर इट विल बी लो. दैट इज वाई द रेंट ऑफ योर रूम इज लो. एंड यू कैन ऑल्सो गो विद दिस. इसलिए तो तेरे कमरे का किराया कम है. दैट्स वाई यू पे द लो रेंट फॉर योर रूम. करेक्ट. ये भी ओके है अगर आप चाहो तो.
अब यहाँ पे वापस जो है अभिलाष रिप्लाई करते हैं कि आपके तो इतने सारे कमरे हैं ना, किसी और रूम में शिफ्ट कर लीजिए ना. सो द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी यू हैव गॉट सो मैनी रूम. करेक्ट, आपके तो इतने सारे कमरे हैं. यू हैव गॉट, देखो यहाँ पे गॉट का मतलब होता है कि मिला होना, ठीक है. यू हैव गॉट सो मैनी रूम्स, वाई डोंट यू शिफ्ट योर टीवी इन अनदर रूम. क्यों ना तुम अपने टीवी को कोई दूसरे रूम में शिफ्ट कर लेते हो. देखो इट्स वेरी सिंपल. करेक्ट, यू गॉट सो मैनी रूम्स, वाई डोंट यू शिफ्ट योर टीवी.